गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे आई एम बैक अगेन विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 एंड पेज नंबर 103। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे हमें माइनस के सम्स दिए गए हैं और कहीं पे मतलब एक सम में कहीं कहीं पे हमारे लिए स्पेस छोड़ दी गई है। ओके, तो ये फर्स्ट वन है, देखिए 4 2। फर्स्ट वन है 4 2 माइनस 1 और यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे 4 लिखा है। अभी यहाँ पे दो जगह पे स्पेस है तो यहाँ पे 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो ऑफकोर्सली 2 में से 4 तो ऐसे ही जाएगा नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टेंस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 2 12, और अभी यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्लस 2 12, तो 12 में से हम कितने माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें 8 लिखना है। ओके, 10 प्लस 2 12, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4। ओके, फिर ये दूसरा है 4 में से 1 जाएगा तो 4 में, यहाँ पे हमने 10 लिखा है तो हमें यहाँ पे भी एक कट करना पड़ेगा, मतलब 3, तो अभी 3 में से 1 जाएंगे तो 2। ये है हमारा फर्स्ट वन सम, यहाँ पे 8 आंसर आएगा और यहाँ पे 2। ओके, अभी हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए दूसरा है 4 5, फिर यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे पैसे और यहाँ पे 5 है, और नीचे यहाँ पे भी 3 लिखा है और यहाँ पे भी 3 लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो मतलब यहाँ पे हमें 5 से बड़ी डिजिट आएगी। तो 8 में 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 8, तो हमें यहाँ पे कितने लिखने हैं, 8। ओके, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2। ओके, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे तो 2। इस हिसाब से 8 2 और 2 आंसर आएंगे। ये है हमारा सेकंड वन सम। अभी हम करेंगे थर्ड वन। यहाँ पे एक स्पेस है और फिर 6 8 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर हमें यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे 4 दिया गया है और बाकी का है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 8 में से 5 जाएंगे तो 5, फिर 6 में से कितने जाएंगे तो 6 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5। ओके, ये है हमारा थर्ड वन सम, 4 3 5। अभी हम करेंगे फोर्थ वन सम। फोर्थ वन सम में देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 3 एंड 2 है, फिर लास्ट में भी यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे 6 दिया गया है। अभी हमें ये माइनस का सम है तो अभी हमें क्या करना है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, एंड 3 प्लस 3 कितने होते हैं, 6, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएंगे तो आंसर आएगा 1। ये है हमारा फोर्थ वन सम। अभी हम करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ वन सम, 4 एंड 5, और नीचे है 2 2 8 माइनस, फिर यहाँ पे आंसर में है सिर्फ ओनली यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे देखिए आप, ये जो लास्ट वन और जो आंसर दिया गया है इसका, ये लास्ट वन और ये जो आंसर दिया गया होता है इसका हमें माइनस करना होता है, तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3, तो वही 3 यहाँ पे ऊपर आएगा। अभी 5 में से 2 जाएगा तो 3, एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे 3 में से 8 तो जाएंगे नहीं, मतलब यहाँ पे है 13, तो यहाँ पे हम 13 आएंगे तो यहाँ पे भी एक कम होगा, मतलब 4, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यहाँ पे आंसर आएगा 2। आंसर आया 4 5 3 228, और नीचे आया 225। अभी हम करेंगे सिक्स नंबर का सम,
सेवन सिक्स टू माइनस, ये दो स्पेस एम्प्टी है, यहाँ पे फाइव और यहाँ पे फोर एंड थ्री दिए गए हैं। तो मैंने आपको बोला ना टू में से फाइव जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेंस करना पड़ेगा। तो टेन प्लस टू ट्वेल्व और ट्वेल्व में से फाइव जाएंगे तो आंसर आएगा सेवन। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे फाइव, तो यहाँ पे फाइव है यहाँ पे थ्री है, तो फाइव में से थ्री जाएंगे तो आंसर आएगा टू। ओके, और यहाँ पे सेवन है यहाँ पे फोर है, सेवन में से फोर जाएंगे तो आंसर आएगा थ्री। तो ये हमारा सिक्स्थ वन सम। फिर हम करेंगे सेवन्थ वन, फिर हम करेंगे सेवन्थ वन सम। तो ये दो आगे की स्पेस जो है वो हमें एम्प्टी दी गई है, फिर यहाँ पे टू सिक्स और थ्री, अभी हमें यहाँ पे नीचे भी दिया गया है थ्री और एट। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए नाइन में से थ्री जाएंगे तो यहाँ पे हम सेवन्थ सम कर रहे थे सेवन्थ नंबर का, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमें नाइन दिया गया है, आगे की दो स्पेस एम्प्टी है, यहाँ पे टू सिक्स और थ्री है, और लास्ट में यहाँ पे आंसर में थ्री और एट दिया गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए नाइन में से थ्री जाएंगे तो आंसर आएगा सिक्स, और सिक्स प्लस एट करेंगे तो आंसर आएगा फोर्टीन, फोर्टीन मतलब फोर। ओके, फिर फोर है और यहाँ पे कैरी चढ़ेगी वन, तो थ्री प्लस टू फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स, तो ये अभी हमें वन नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिक्स फोर नाइन माइनस टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री और नीचे आएगा थ्री हंड्रेड एट्टी सिक्स। ये था हमारा सेवन्थ वन सम। अभी हम करेंगे एट्थ वन। एट्थ वन में क्या है, बीच में ही फाइव दिया गया है, आगे पीछे की दोनों स्पेस एम्प्टी है, फिर यहाँ पे थ्री सेवन एंड वन, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे है फोर, फिर यहाँ पे है फाइव। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे फोर प्लस फोर कितने होते हैं, एट। ओके, फिर फाइव में से सेवन तो जाएंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे कट करके टेंस लगाना है, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन में से सेवन जाएंगे तो एट। अभी यहाँ पे देखिए क्या आया, फिफ्टीन। अभी यहाँ पे फाइव प्लस थ्री कितने होते हैं, एट। ओके, तो हम यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस है तो यहाँ पे एक कट होगा, सो हमें यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना है। अभी यहाँ पे नाइन है तो हम यहाँ पे एक कट करेंगे तो एट में से थ्री जाएगा तो फाइव। तो अभी ये हमारे एट वन का आंसर है नाइन फाइव एट थ्री सेवन फोर और फाइव एट फोर। ओके, अभी हम करेंगे नाइन्थ वन सम। फाइव थ्री और नीचे है टू डैश फाइव माइनस फोर एंड थ्री। अभी फाइव प्लस थ्री कितने हो रहे हैं, एट, और यहाँ पे फाइव प्लस थ्री कितने हो रहे हैं, एट। अभी यहाँ पे थ्री का छोटा है और यहाँ पे फोर बड़ा है, तो यहाँ पे हम टेंस लेंगे तो टेन प्लस थ्री कितने हुए, थर्टीन। अभी थर्टीन में से हमें फोर माइनस करने हैं, थर्टीन में से फोर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नाइन। और यहाँ पे हमने टेंस लिया है सो हमने यहाँ पे एक माइनस करना है, तो फोर में से टू जाएगा तो आंसर आएगा टू। ये था हमारा नाइन्थ वन सम। अभी हम करेंगे टेंथ वन सम। टेंथ वन सम में यहाँ पे देखिए टू एंड फाइव माइनस वन डैश एट। ओके, फिर यहाँ पे आंसर में है टू एंड फाइव, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइव में से एट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम टेंस करेंगे टेन प्लस फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन में से एट जाएंगे तो आएगा आंसर सेवन। ओके, फिर यहाँ पे भी टू टू छोटा है और जो फाइव है वो बड़ा है, तो हमें यहाँ पे कट करके क्या करना है, यहाँ पे हमने टेंस लिया है तो हमें यहाँ पे ट्वेल्व नहीं ले सकते लेकिन इलेवन लेंगे। ओके, इलेवन लेंगे, कितने लेंगे, इलेवन। इलेवन में से फाइव जाएंगे तो आंसर आएगा सिक्स।
ओके, 11 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा 6। अभी यहाँ पे देखिए 2 + 1 कितने हो रहे हैं, 3, लेकिन हमें 1 बढ़ा के लिखना है, 1 ऐड करके लिखना है, मतलब 4। अभी यहाँ पे हमने टेंस लिया है तो यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, 3 में से 1 जाएंगे तो आंसर आएगा 2। ओके, तो ये इसका आंसर है 257। अभी हम करेंगे 11th वन सम। इलेवेंथ वन सम में क्या है, 7-3-87 और यहाँ पे है 4 और 1। 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो हमें यहाँ पे कट करके 10, और 13 में से 7 जाएंगे तो आंसर आएगा 6। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 8 + 1 कितने हो रहे हैं, 9, लेकिन यहाँ पे 10 से तो हमें यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना है, मतलब 9 + 1 करेंगे तो 10, तो यहाँ पे हम 10 नहीं लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, 0। ओके, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, लेकिन हमें यहाँ पे एक माइनस करके लिखना है, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आया, 703-287 एंड लास्ट में आया 416। अभी हम करेंगे 12 नंबर का सम। 8-4 यहाँ पे है डैश और यहाँ पे नीचे 4, 6 और 7 और आंसर में यहाँ पे है ओनली 6। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे सम। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 7 + 6 कितने हो रहे हैं, 13, तो यहाँ पे हम 13 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ओनली हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम टेंस लगाएंगे तो 10 + 3 13 हो गए। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो हम यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13, तो 13 में से 6 जाएंगे तो आंसर आएगा 7, और हम यहाँ पे भी एक माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो आंसर आएगा 3। तो ये था हमारा 12 नंबर का सम। तो इसी हिसाब से मैंने आपको 25 में से जो हाफ एंड हाफ सम है वो मैंने आपको कराए हैं, और बाकी के जो हाफ है वो आपको अपनी तरह से करने हैं। ओके, तो अभी हम आगे का करेंगे, पेज नंबर 104। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल से जो प्लस के सम्स हैं वही हमें करने हैं, जो आप सबको अच्छे से आते हैं, ये सब नॉर्मल से प्लस माइनस के सम हैं जो आपको अपने हिसाब से खुद से करने हैं। फिर आगे पेज नंबर 105 है, राइट द मिसिंग नंबर। हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वन है उसमें 20-20 ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 120, 140, 160, 180, 200 एंड 220, इस तरह से हमें प्लस 20-20 करने हैं। यहाँ पे जो सेकंड वन है उसमें हमें 100-100 माइनस करने हैं, 890, 790, 690, 590, 490 एंड 390। ओके, जो फिर थर्ड वन है उसमें हमें 50-50 ऐड करने हैं, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। फिर है फोर्थ वन 125, उसमें हमें 25-25 ऐड करने हैं, 125, 150, 175, 200, 225 एंड 250। फिर यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर में है इसमें हमें 20-20 माइनस करने हैं, फर्स्ट वन में आएगा 480, -20, 460, -20, 440, -20, 420, -20, 420, -20, 400 एंड लास्ट में आएगा 380। फिर सिक्स्थ वन है उसमें हमें 50-50 माइनस करने हैं, 300, 250, 200, 150, 100 और लास्ट में आएगा 50। उसी हिसाब से सेवन में हमें 100-100 माइनस करने हैं, 900, 800, 700, 600, 500, 400 एंड लास्ट में आएगा 300। और यहाँ पे हमें 10-10 ऐड करने हैं लास्ट वन में, 215, 225, 235, 245, 245 एंड 265।
5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। हमने क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप किया है, वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स आइटम के हमें प्राइजेस दिए गए हैं और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम, सबसे ज़्यादा महंगी आइटम कौन सी है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं, बॉल जो है वो 40 रुपीस का है, बैट है वो 185 का है, रैकेट 204 का, फिर शटल कॉक है वो 56 का है, फिर जो पैड है हम क्रिकेट में पहनते हैं वो है 236, फिर जो यहाँ पे स्केटिंग है वो 355 के हैं, हैंड ग्लव्स 166 के, चेस बोर्ड जो है वो 127 के हैं, बास्केटबॉल है वो 395 का है और हॉकी स्टिक जो है वो लास्ट में 292 की है। तो सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी आइटम है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बास्केटबॉल। फिर सेकंड वन है विच इज़ द चीपेस्ट आइटम, तो सबसे सस्ती, तो सस्ती में आएगा बॉल जो कि 40 रुपीज़ का है। फिर है थर्ड वन, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैट एंड रैकेट, बैट का और रैकेट का हमें प्लस करके देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बैट का, बैट की प्राइस क्या है, बैट की प्राइस है 185 एंड रैकेट की प्राइस है 204। हमें यहाँ पे दोनों का प्लस करना है, 5 + 4 = 9, 8 + 0 = 8 एंड 2 + 1 = 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 389 रुपीज़। और फोर्थ वन है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ पैड एंड हैंड ग्लव्स, पैड और हैंड ग्लव्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है। तो पैड है यहाँ पे 236 एंड हैंड ग्लव्स है यहाँ पे 166। तो दोनों का प्लस सम करेंगे तो 6 + 6 = 12, कैरी चढ़ेगी 1, 6 + 3 = 9 + 1 = 10, कैरी चढ़ेगी 1, 2 + 1 = 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे आंसर आया 402। तो इस हिसाब से मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कराए हैं, बाकी के आपको अपने हिसाब से सॉल्व करने हैं। अभी हम करेंगे पीछे पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन नंबर 12, आइटम्स ऑफ अ ग्रोसरी शॉप एंड देयर प्राइस आर गिवन बिलो। यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है मतलब रसकस की दुकान है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और उसके प्राइस दिए गए हैं। अभी यहाँ पे जो सही लिखा है नीचे क्वेश्चन आंसर में वहाँ पे हमें राइट करना है और बाकी में हमें फॉल्स करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो देख देख के आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमने स्किप किया है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है S7 इन द एग्जांपल अरेंज द नंबर 1 to 7 इन अ सच वे दैट एडिशन ऑफ टू वर्टिकल कॉलम्स एंड टू हॉरिजॉन्टल रोस बिकॉम। यहाँ पे क्या है, हम वर्टिकल मतलब कि खड़े खड़े प्लस करें तो भी सेम आंसर आना चाहिए और हम आड़े में भी प्लस करें तो भी सेम आंसर आना चाहिए। इस हिसाब से हमें डिजिट को है वो अरेंज करनी है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट वन है जो हमें डन करके मिला है, सेकंड वन है यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका प्लस डिजिट हम कोई सी भी रखें लेकिन उसका आंसर कितना आना चाहिए, 9, और वो भी दो ही डिजिट का हमें यूज़ करना है, अलग अलग डिजिट का नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 रखेंगे तो 2 5 और 2 2 + 5 = 7 और 7 + 2 = 9। ओके, तो ये हुआ हमारा। फिर यहाँ पे भी 2 5 2, यहाँ पे भी 2 5 2 और यहाँ पे भी 5, मतलब यहाँ पे हमने 2 और 5 दो ही डिजिट का यूज़ करके 9 का प्लस किया है जो कि हॉरिजॉन्टल भी सेम आ रहा है और वर्टिकल भी सेम आ रहा है। तो ये है हमारा 14 का फर्स्ट वन क्वेश्चन। फिर उसी हिसाब से हम दूसरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 1 4 करेंगे तो भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे तो भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो इसी हिसाब से हम करेंगे। तो ये हमारा थर्ड सेकंड वन जो है वही सम भी कंप्लीट हो गया। अभी फिर देखिए 2 मैंने आपको कंप्लीट करवाए और 2 आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। अभी नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, S7 इन द एग्जाम्पल अरेंज द नंबर
1 to 8 in a such way that addition of 2 vertical columns and 2 horizontal rows become 10. अभी हमने जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने मल्टी एडिशन कितना आना चाहिए 9, और ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें एडिशन आना चाहिए 10. तो हमें उस हिसाब से ये अरेंज करना है. तो हम करेंगे, फर्स्ट वन डन करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 4 3, मतलब 3 + 4 7 और 7 + 3 10. तो हम यहाँ पे भी सेम करेंगे, यहाँ पे भी सेम. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी 10 आ रहा है, इसका आंसर भी 10 आ रहा है, इसका आंसर भी 10 आ रहा है, और यहाँ से हम करेंगे तो भी आंसर 10 ही आएगा. मतलब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट वन सम. उसी हिसाब से अभी हम सेकंड करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 6 2, मतलब 6 + 2 8 और 8 + 2 10. यहाँ पे भी 6 and 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 and 2 और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे. तो हमने दो ही डिजिट का यूज़ करके उसका एडिशन जो है वो 10 आई, इस हिसाब से हमने अरेंज किया है. तो यहाँ पे भी मैंने आपको 2 सम कंप्लीट करवाए हैं और बाकी के जो 2 हैं वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं. फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 16, अभी यहाँ पे भी हमें वही करना है कि सेम हमें 1 to 9 में से, अभी हमने ऊपर के जो 2 सम थे उसमें हमें 2 ही डिजिट ले रहे थे, अभी जो नीचे के जो है उसमें हम कोई भी 3 डिजिट ले सकते हैं. मतलब कोई भी डिजिट का यूज़ करके हमें इस तरह से अरेंज करना है कि उसका आंसर 15 है. कोई भी कितनी भी डिजिट का यूज़ कर सकते हैं कि, लेकिन उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो 15 आना चाहिए. तो चलिए हम करते हैं. यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट वन जो है वो ईजीली करते हैं, 5 + 5 + 5, तो मतलब आंसर आया 15. फिर हम यहाँ पे करेंगे 5 + 7 = 12 और 12 + 3 करेंगे तो 15. अभी हम यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी 15 आना चाहिए. तो 7 + 3 करेंगे तो 7 + 3 = 10 और 10 + 5 = 15. ओके, फिर यहाँ पे 5 + 3 कितने हुए 8, तो हम 8 में कितने ऐड करेंगे तो 15 होंगे. तो यहाँ पे हम करेंगे 7, फिर यहाँ पे देखिए 7 + 3 = 10 और यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 15. तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल करेंगे या तो हम खड़े करेंगे या तो हम आड़े करेंगे, सभी के आंसर सेम ही आएंगे 15. तो ये जो है वो मैंने डन करके दिया है और ये जो है वो आपको अपने हिसाब से डन करना है. ओके फ्रेंड्स, मैं शाम को इसके आंसर की भेजूंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे.